नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हृदय पूर्वक स्वागत है। और आप सभी से मैं आज बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही बढ़िया वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, और वो है कार्तिक महीने में हम लोग किस तरह से पूजा करते हैं, मंदिरों में, घरों में किस तरह से दिए जलाते हैं। तो आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप ज़रूर पूरा वीडियो देख के और सब्सक्राइब करके ज़रूर आगे बढ़ाएं, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मंदिर में गई थी दिए जलाने के लिए। हमारे साउथ इंडिया में ये मानते हैं कि जितने भी दिए हम लोग कार्तिक महीने में जलाते हैं ना, वो बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। और ये महीना हमारा विष्णु मूर्ति भगवान का और शिव भगवान का बहुत ही प्यारा महीना है। तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह, मतलब बहुत ही सुबह, सूर्य उदय होने से पहले उठकर नहा धोकर पूजा करते हैं और मंदिरों में भी जाकर ज़रूर भगवान के दर्शन करते हैं। और दर्शन के साथ ही हम लोग दिए भी जलाकर आते हैं। तो मैं सबसे पहले ना घर में पूजा पाठ करने के बाद मंदिर में गई थी, और वहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा फर्श में पानी से ना साफ़ सुथरा करने के बाद रंगोली भी अच्छे से कर देते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर मैं दिए लगाने वाली हूँ, वो भी आटे के दिए। तो हम लोग ना चावल के आटे से दिए बनाते हैं इस तरह से। आटे को ना थोड़ा पानी और गुड़ से मिला देते हैं और अच्छी तरह से गूंथ कर इस तरह छोटे छोटे गोलियाँ बनाकर दिए बना देते हैं। और देखिए मैंने कितने अच्छे से दिए बनाकर यहाँ पे सजावट कर दिए हैं। और जितने भी दिए जलाने हो ना, अपने मन मर्जी से हम जला सकते हैं और बहुत ही शुभ मानते हैं। मतलब पूरा महीना हम लोग दिए से अलंकृत करते हैं मंदिरों में, घरों में। और यहाँ पे ना हम लोग आंवला का भी दिया जलाते हैं। तो यह मानकर कि आंवला मतलब नारायण मूर्ति है, मानते हैं आंवले के पेड़ को हम लोग नारायण मूर्ति मानते हैं, और इस तरह से इनकी पूजा करते हैं। और बेलपत्र, जो बेलपत्र होता है ना, उन्हें हम लोग शिवजी मानते हैं, और जो आंवले का पेड़ है उन्हें हम नारायण जी मानते हैं, और बेलपत्र को हम लोग लक्ष्मी जी का स्वरूप भी मानते हैं। तो इस तरह से ना हम लोग इस महीने में ना इन वृक्षों की भी पूजा करते हैं और इस तरह से दिए जलाकर अपना श्रद्धा भगवान की तरफ रख कर प्रार्थना करते हैं कि हम सब खुशी और खुशहाल से रहें और पूरा परिवार हमारा खुशियों से भर कर रहें। जो भी विपदाएं आए हैं, मतलब कष्ट आए हैं, उन्हें दूर कर कर हमें थोड़ा सा अपना पूरा परिवार को सुख शांति से बनाए रखें। इस तरह से हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, यानी विष्णु मूर्ति से और शिव जी से। हमारे यहाँ पे ये मानते हैं कि जो भी प्रातः काल उठकर नहा धोकर शुद्ध मन से पूजा पाठ करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु जी की शरण मिलती है। और जो भी नहा धोकर शाम के वक्त यानी के सूर्य अस्त के बाद हम लोग पूजा करते हैं, वो शिव जी को मतलब श्रद्धा करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस महीने में दोनों भगवानों की पूजा करते हैं और पूरे घर को और मंदिरों में भी जा जाकर इस तरह दिए भी उन्हें चढ़ाकर और अपनी श्रद्धा पूर्वक भक्ति उनके सामने रखते हैं। तो पहले तो हम लोग इस तरह से रंगोली बनाकर, यहाँ तो मैंने ना 11 दिए जलाए थे, उसके बाद पान के पत्तों में ना उन्हें केला यानी प्रसाद चढ़ा दिया है, और इस तरह से फूलों से भी हम लोग दिए सजावट करते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं ना दिए, वो और पेड़ों के पास लगाने के लिए रखे हैं बनाकर तैयार। तो उन्हें भी मैं मतलब पेड़ों की हम इस महीने में पूरा भरपूर पूजा करते हैं, जैसे कि नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ और आंवले का पेड़ और औदुम्बर का पेड़। तो इस तरह से बहुत सारे पेड़ों की भी पूजा करते हैं। यह महीना पूरा हम लोग श्रद्धा भक्ति से ही बने रखते हैं अपने घर को, मन को। और इस तरह से हम लोग अच्छी तरह से पूजा करने के बाद नारियल भी चढ़ा देते हैं और आरती भी कर लेते हैं। तो आरती करते समय अच्छे से गीत गाए जाते हैं, जितने भी हमसे हो सके अच्छा से जो भी आता है गीत गाते हैं, और इस तरह से आरती करके हमारा मन
पूरा भक्ति से भर जाता है। तो यहाँ पे ना हम लोग दिया जलाकर आरती तो अच्छे से कर लिए हैं, और यह हमारा साउथ इंडिया का मतलब अच्छा सा रिवाज है दियों का जलाने का कार्तिक महीने में। और हम लोग ना इस कार्तिक महीने में मतलब पौर्णमी आती है ना, उस दिन भी हम लोग सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करते हैं, मतलब कथा सुनते हैं, उनकी कथा सुनकर प्रसाद भी बांट देते हैं सबको, और मंदिरों में भी जाकर हम लोग कथा सुन सकते हैं और इस तरह से पूजा भी कर सकते हैं। ऐसा तो हमारा मतलब एक नियम हो गया है कार्तिक महीने में ये इस तरह से पूजा करने की। जितने भी भक्त आते हैं उनको सभी मंदिरों में प्रसाद दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए शाम हो चुका है और सूर्य भगवान भी अस्त होने के लिए मतलब विदाई लेने के लिए तैयार हैं। और हम लोग ना यहाँ पे 365 दिए भी इस तरह से जलाते हैं। और ये देखिए आंवले का पेड़ इस तरह से लगाकर इनके चारों ओर फूलों से सजावट की दी है, और इनके चारों ओर ना हम लोग इस तरह से प्रदक्षिण भी करते हैं। और देखिए इनके आसपास भी कितने सारे पेड़ हैं, उन पेड़ों के पास भी हमने दिए जला दिए हैं। तो इस तरह से हम लोग अच्छे से प्रदक्षिण करके और अपनी भक्ति पूर्वक श्रद्धा भगवान के सामने रख दिया है। और ये वीडियो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे घर के मंदिर के पास का है। और अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तो आप भी एक घूम कर एक मतलब इनका प्रदक्षिण कर ही लीजिए। इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, तो अगर आपको साउथ इंडिया के पूजा पाठ देखना है तो ज़रूर बने रहे हैं हमारे वीडियो के साथ, और आगे भी इस तरह से पूजाएं आती रहेंगी, आपको अच्छे भी लगेंगे इस तरह से पूजाओं को देखने के लिए, क्योंकि हमारा साउथ वाले लोगों को बहुत ही पसंद करते हैं। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।